अमेरिकन एक्सेंट और ब्रिटिश एक्सेंट, विच इज बेटर फॉर यू? आप कौन सा बोलते हो, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या बोलना आपके लिए सही है? आज हम बात करेंगे ब्रिटिश एक्सेंट एंड अमेरिकन एक्सेंट, दोनों में क्या डिफरेंस है एंड विच इज द नीड ऑफ द टाइम। हाई एवरीवन, आई एम सुभाष कार्तिक एंड आई हेल्प पीपल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, करेक्टली एंड इम्प्रेसिवली। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और हम आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं तो जरूर इस चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। दोस्तों, जो मेन डिफरेंस ये दोनों एक्सेंट में है वो है तीन, एक है वोकैबुलरी, एक है स्पेलिंग और एक है प्रोनंसिएशन। जी हाँ, मगर जितने भी डिफरेंसेस हैं, डिस्पाइट ऑल द डिफरेंसेस, ब्रिटिश पीपल दे अंडरस्टैंड अमेरिकन्स एंड अमेरिकन्स दे अंडरस्टैंड ब्रिटिश पीपल। और ये क्यों ना हो, ब्रिटिश वाले अमेरिकन मूवीज देखते हैं, अमेरिकन गाना सुनते हैं, अमेरिकन पीपल दे लिसन टू ब्रिटिश सॉन्ग्स मूवीज। दोस्तों, जब दोनों कंट्रीज के लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, दोनों को समझते हैं, दोनों को पढ़ सकते हैं, इसका मतलब ही है कि दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो क्या सच में दोनों डिफरेंसेस को जानना जरूरी है? अगर आप कम्युनिकेशन के लिए दोनों डिफरेंसेस को जानना चाहते हो तो मैं बोलूंगा कि नहीं, डिफरेंसेस उतने जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको ब्रिटिश एक्सेंट में आपको कोई जॉब का इंटरव्यू देना है या किसी एग्जामिनेशन को क्रैक करनी है जहां पे ब्रिटिश एक्सेंट चलता है, वहां पे आप अमेरिकन इंग्लिश बोलोगे तो दे विल नॉट एक्सेप्ट। एंड सेम विद द अमेरिकन अथॉरिटी, अगर आप किसी अथॉरिटी में जाके कहीं पे आप एग्जाम दे रहे हो जहां पे उनकी इंग्लिश को आपको बोलना है, वहां पे आपको एकदम सटीक रहना पड़ेगा अपने प्रोनंसिएशन, अपने वोकैबुलरीज पे। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी प्रायोरिटी एग्जामिनेशन नहीं है, जस्ट कम्युनिकेट करना है एक दूसरे के साथ, तो मैं बोलूंगा ये डिफरेंसेस उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। दोस्तों, आप भी ये सोच रहे होगे कि यार मुझे तो इंग्लिश बोलना ही नहीं आता, और ये जनाब कह रहे हैं कि ब्रिटिश एक्सेंट और अमेरिकन एक्सेंट, सर हमें तो कुछ भी एक्सेंट नहीं आता है। दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती है, आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हो तो हमारे लाइव सेशंस को जरूर ज्वाइन करना। जी हाँ, जितने भी लोग ने ज्वाइन किया है दे फील ट्रेमेंडस कॉन्फिडेंस। अगर आप भी इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली बोलना चाहते हो तो हमारे 5-day वर्कशॉप को जरूर अटेंड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। So, दोस्तों देखते हैं कि दोनों एक्सेंट में क्या डिफरेंस है। मेरे इस साइड में मैं रखूंगा ब्रिटिश एक्सेंट के वर्ड्स को और मेरे इस साइड में मैं रखूंगा अमेरिकन इंग्लिश को। आप देखो दोनों में क्या डिफरेंसेस है। ब्रिटिश पीपल दे से फुटबॉल एंड अमेरिकन पीपल दे से सॉकर, और हम इंडियन, हम तो कभी सॉकर भी बोलते हैं, कभी फुटबॉल भी बोलते हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, जानना जरूरी है कि कौन सा ब्रिटिश है, कौन सा अमेरिकन है। ब्रिटिश बोलते हैं लॉरी और अमेरिकन्स बोलते हैं ट्रक। ब्रिटिश बोलते हैं बिस्किट और अमेरिकन्स बोलते हैं कुकीज। बाय द वे, आप कौन से एक्सेंट को यूज करते हो, ब्रिटिश और अमेरिकन्स, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ब्रिटिश बोलते हैं फिल्म और अमेरिकन्स बोलते हैं मूवी। ब्रिटिश बोलते हैं फ्यूल और अमेरिकन्स बोलते हैं गैस। ब्रिटिश बोलते हैं ट्राउजर्स एंड अमेरिकन्स बोलते हैं पैंट्स। अगर आप दोनों को अच्छे से समझ रहे हो, दोनों लिस्ट को अच्छे से देख रहे हो, एज एन इंडियन हमारे लिए तो दोनों इंटरनेशनल लैंग्वेज है राइट। अगर हम थोड़ा बहुत मिक्स करके भी बोल रहे हैं, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। ब्रिटिश बोलते हैं ऑटम और अमेरिकन बोलते हैं फॉल। रबर, इरेजर्स, चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, हॉलीडेज, वेकेशन, टॉर्च, फ्लैशलाइट, नैपी, डायपर, केमिस्ट, ड्रग शॉप। सो दोस्तों, आपने देखा कि दोनों एक्सेंट के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ वर्ड्स के डिफरेंस है। अगर हम उस वर्ड्स को सीख लेते हैं, प्रोनंसिएशन को सीख लेते हैं, तो हम दोनों एक्सेंट को जहां जरूरत है वहां यूज कर सकते हैं। और जहां तक बात है कि कौन सा सही है, मेरे हिसाब से दोनों सही है। आपको देखना है कि आपकी जरूरत क्या है। दोस्तों, ज्यादातर जो हम इंडियंस हैं, सिर्फ इंडियंस ही नहीं, दूसरे कंट्रीज में भी लोग ब्रिटिश एक्सेंट को ज्यादा फॉलो करते हैं। और हाँ, इंग्लिश को स्टेप बाई स्टेप अपने घर में प्रैक्टिस करने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें, स्टेप बाई स्टेप।